सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले एक साल से लगातार छानबीन कर रही एजेंसी सीबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक साल से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सीबीआई का ही रिप्लाई का वेट कर रहे हैं और लगातार उनसे डिमांड की जा रही है कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में हमें अपडेट दे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का डेथ के पीछे का मेन रीजन क्या है। उनकी जो डेथ है वो एक सुसाइड है या मर्डर है, कम से कम सीबीआई को अब एक साल में ये तो कंफर्म हो ही गया होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज फ्रेंड हैं गणेश शिवारकर, उनके द्वारा आरटीआई के तहत सीबीआई से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके जवाब मांगे गए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि आज जो है सीबीआई की तरफ से अपडेट तो आई है, लेकिन जो अपडेट दी गई है उसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। आपको बता दूँ कि सीबीआई की तरफ से जो आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी गणेश शिवारकर के द्वारा, उसमें सीबीआई की तरफ से आज जवाब आया और इसमें लिखा गया है कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मामले की अभी जांच चल रही है, हाँ, और आगे की जानकारी आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसी जानकारी का खुलासा जांच में बाधा डाल सकती है। ये सीधा सीधा सीबीआई की तरफ से अपडेट दी गई है गणेश शिवारकर को। गणेश शिवारकर ने इसको जो है ट्विटर और अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, जहां से ये कंफर्म हो गया कि सीबीआई ने यही अपडेट दी। कुछ दिन पहले भी यही अपडेट आई थी जिसमें बोला गया था कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। उसके बाद जो गणेश शिवारकर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस पर उन्होंने नाराज़गी जताई और उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है उनको ह्यूमन राइट्स के तहत उनको अमेरिका का वीज़ा दें, वो इंडिया में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस हिसाब से एजेंसीज हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से वो अपना छानबीन कर रही हैं, उनके द्वारा कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलती रहती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इंडिया छोड़ के अमेरिका चले जाएँ और इसके लिए ह्यूमन राइट्स के तहत उनको जो है वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ गणेश शिवारकर नहीं, काफ़ी लोग जो है सीबीआई के द्वारा इस तरह की अपडेट देने पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीबीआई से कि सीबीआई आखिरकार अभी इतने दिन में की क्या है। सबसे बड़ी नाराज़गी लोगों के द्वारा यही जताई जा रही है कि आप हमें कोई बड़ी अपडेट न दो। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके किसी जांच में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है तो हम कोई भी इंक्वायरी नहीं, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ आप ये बता दो कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है, वो एक सुसाइड है या मर्डर है, कम से कम ये तो कंफर्म कर दो कि उससे उसमें तो कोई जांच में कोई बाधा नहीं आएगी, ये तो कम से कम कंफर्म कर दो, क्योंकि आज भी पब्लिक जो है पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का क्या रीजन था, जबकि पब्लिक के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये डेथ जो है वो एक मर्डर है, ना कि सुसाइड। आपका क्या ओपिनियन है सीबीआई के द्वारा इस तरह के रिप्लाई देने पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।